स्विंग मिल रहा है, साइड में एक रिवर भी है। राइट नाउ इट्स 7:45। कल जो हम लोग गए थे ये होम स्टे है, यहाँ का जिस टाइप का है व्यू, यही होम स्टे में रुके थे। लड़का लोग अभी पैकिंग कर रहा है, अबे का भी वहाँ पर पेट्रोल रखने का जगह नहीं था इसलिए मेरे बाइक में रख दिया। अब यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स मनाली, तो इसके लिए हमें चुमाथांग से 20 किलोमीटर पीछे जाना है हानले की तरफ, और माही बोल के जगह है, और माही से लेना है राइट टर्न टुवर्ड्स पुगा, पुगा से सोकर, सोकर होके मनाली हाईवे पकड़ेंगे और उसके बाद मनाली की तरफ निकलेंगे बाय अटल टनल। तो प्लानिंग वैसा है, और गूगल मैप में दिखा रहा है 10 आवर्स का रास्ता, तो अभी निकलते हैं। तो अभी निकलते हैं चुमाथांग से, तो कल जो रास्ते आया था वही रास्ता वो रिटर्न होंगे, रिटर्न होना पड़ेगा। तो मैं आगे जाके वेट करूंगा लड़का लोगों का। होम स्टे का नाम है चुमाथांग आंगदो होम स्टे, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया है बोर्ड में, अगर चुमाथांग आएंगे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी निकलते हैं मेन रोड की तरफ। एरिया तो यहाँ भी बहुत ठंड है, और यहाँ पर भेड़िया भी आता है वुल्फ, और चुमाथांग ये जहाँ में हम होम स्टे में रहा था वहाँ पर एक छोटा सा याक का पूछ जो है वो पूछ रखा था, क्योंकि छोटा सा याक को वो यहाँ पे वुल्फ ने मार दिया ऐसा बोल रहा था, तो यहाँ पर वुल्फ जब बहुत ज़्यादा आता है। सो बहुत ही डेंजर इलाका है, खूबसूरत भी है लेकिन डेंजर भी है। तो अभी ऐसे ही अब मिलते हैं आपसे थोड़े आगे। तो अभी पहुँच गया मेन रोड, और मेन रोड से निकल रहे हैं मनाली की तरफ, और जो साइड में रिवर बह रहा है दिस इज इंडस रिवर, इसी को क्रॉस करके जाना है हमको पुगा की तरफ, और ठंड अभी भी बहुत है। तो अभी माही पहुंच गए हम लोग, और माही से हम लोग लेना है राइट टर्न, तो लगता नहीं यही होगा रोड, तो यही रोड हिमाचल पर जाएगा, ये जो ब्रिज देख रहा है उधर से ही होगा। तो यही रोड जाएगा, सरचू भी होके जाएगा ये रूट। ओ, लकड़ी का ब्रिज है ये। थोड़ा ऑफ रोडिंग मिल गया, और ये रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग भी है और थोड़ा पीच रोड, जगह जगह में ऑफ रोडिंग है ऐसा बोल रहा था। ऐसा ही रोड रहा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा हम लोगों को मनाली पहुंचने में, और मेरा फ्रंट टायर का कंडीशन भी थोड़ा ख़राब हो गया, फ्रंट टायर का ग्रिप जो है वो ख़त्म हो गया है। अच्छा तो फिर से अच्छा रोड मिल गया, और माही से हिमाचल की तरफ जाने वाला रोड अभी सिंगल रोड है, सिंगल लेन रोड,
जगह जगह में ऑफ रोड है और पीच रोड भी है थोड़ा सिंग, लेकिन सिंगल रूट है, अच्छा रोड है। अब यही रोड जाके हमको कनेक्ट करेगा मनाली हाईवे से और अटल टनल के थ्रू जाना पड़ेगा। अभी धूप तो लग गया है लेकिन बहुत ही ठंड है, ग्लोब्स के अंदर तक ठंड फील हो रहा है। ये जंगली घोड़ा ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा है, ये तो अभी जस्ट हमने छोमाड़ी बोल के एक जगह को क्रॉस किया और यहाँ से पुगा 7 किलोमीटर से, तो पुगा के लिए और 7 किलोमीटर हम लोगों को जाना है और उसके बाद सोकड़ होना है, सोकड़ होके फिर मनाली रोड पकड़ना है। कि ये है पुगा और ये पूरा वाटर जो है वो हॉट स्प्रिंग है और बहुत सारे लोग इधर बैठे भी है कैंपिंग करके। फिर हम लोग निकलते हैं, ये सारा हॉट स्प्रिंग है, ये जो नीचे पानी देख रहा है ये पूरा गर्म है हॉट स्प्रिंग वाटर और स्मेल भी आ रहा है पूरा एमोनिया जैसा। लद्दाख में बाइक चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बाइक 80-100 के स्पीड में होता है लेकिन पता ही नहीं चलता, आगे देखता हूँ तो लगता है कि एक ही जगह में अटक के बैठा हूँ। अभी हानली में भी सेम वाला लैंडस्केप, जहाँ भी देखो ये वाला लैंडस्केप सेम रहता है और लगता है कि एक ही जगह में अटक के बैठा हूँ। और आगे थोड़ा सेटलमेंट है, आगे पता नहीं कौन सा जगह है। और ब्रेकफास्ट अभी करना है, हम लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी आगे जाके देखते हैं क्या रहेगा। ए खाजा खाने के अगाडि गएर खाने, हाइवे निस्केर दिन बिग्रिँदैछ नि, पानी पर्ला पर्ला हुँदैछ, हाइवे निस्केर खाऊ है। 90 के गर्ने, खाइहाल्ने। सत्र 17 हम त अगाडि जाउँ होइन हाइवेमा। तभी सोकड़ विलेज को क्रॉस करके हाइवे 17 किलोमीटर से 17 किलोमीटर हाइवे निस्किन्छ, हाइवे में खाऊ। सोकार भन्ने जग्गा यही रहेछ नि, है रिजर्भले यात्राको यहाँ र बस्दा हुन्छ रे। जाउँ सेवेंटीन किलोमीटर बाद हाईवे है सोकर से, तो हाईवे में निकल के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी टाइम हुआ है 9:50 और हम लोग पहुंच गए हाईवे पे। अभी ये रास्ता आया और ये जाएगा लेह की तरफ, ये सीधा जाएगा मनाली की तरफ, तो मनाली हाईवे पे पहुंच गए हम लोग। और अभी बहुत ही ठंड है तो लड़का लोग सब ने बाहर से रेन सीट भी लगा दिया, थोड़ा विंड प्रूफ होता है तो ठंड कम लग रहा है, लेकिन इस एरिया में विंड के ब्लास्ट की वजह से बहुत ही ठंड है अभी। तो अभी यहाँ पर रुके, यहाँ पर चाय पियेंगे, चाय ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे मनाली की तरफ। ब्रेकफास्ट कम्प्लीट हो गया और टाइम 10 बज गए, तो ये रास्ते से आया था छोकर होके, ये लेह की तरफ जाएगा, हमें जाना है मनाली। हाँ तो अभी निकलते हैं
मनाली की तरफ। और अभी ठंड बहुत बहुत ही ज़्यादा है इस एरिया में, और ये जगह का नाम है दिबरांग। विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है इधर, तो इसकी वजह से बहुत ही ठंड है और स्पीड भी ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहा है इधर पे। हमको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, मौसम भी बिगड़ रहा है, आकाश में बादल है, बारिश होने वाला है भाई, इसी टाइप का मौसम हो रहा है। और सेम टाइम पे ये ट्रक यहाँ पर फंस गया और पूरा ट्रैफिक लगा है भाई। अच्छा, तो जाने के लिए बोल दिया तो फिर निकल लेते हैं। हम लोग निकल लेते हैं। अच्छा, वाह, अभी हम पांग पहुंचने वाले हैं। पांग पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर होगा, और ये वाला रोड मिल गया अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत डस्टी और ग्रेवल वाला रोड है, जहाँ पर स्पीड मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है और टायर ज़्यादा स्केट करते इधर, और ऊपर से डाउन हिल कभी, और लगता अब पता नहीं कहाँ तक है ये वाला रोड। तो अभी भी और जाना है रास्ता, और हालत पूरा ख़राब हो गया, देख सकते हैं मिरर में। कैमरा भी पूरा लेंस मैंने साफ़ कर दिया, इसका हालत कुछ ऐसा है, सभी का हालत ख़राब हो गया। यहाँ नहीं रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा स्नो का फ्लेक्सेस आ रहा है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, ऑफ रोडिंग से ज़्यादा यहाँ पर डस्टी है। तो ये डस्टी रोड तो कंटिन्यू रहेगा, अब आपको डायरेक्ट अच्छे रोड में मिलते हैं। ट्रक मूवमेंट ज़्यादा, और यहाँ से छोटा छोटा रोड है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस ट्रेन को क्रॉस करने में। और सर जो है 33 किलोमीटर। सोरचू पहुंचने वाले, और पूरा डस्टिंग हो गया, 10-15 मिनट का रास्ता है, और जितना भी फ्यूल है इधर कैरी करके लाया है, फ्यूल अप करेंगे, और जितना भी ऑफ रोडिंग था शायद वो कंप्लीट हो गया, डबल लेन रास्ता मिल गया है, तो फ्यूल अप करवा के फ्यूलिंग करवा लिया सभी का। और
लगभग 6-7 लिटर फ्युल बच गयो है। त्यसरी घुमाएर घुमाएर फ्युल बच गया है, तो इतना फ्युल लेके फिर कंटिन्यू करते हैं। और बारिश जैसा हो रहा है तो जल्दी से निकलते हैं। तो अभी थोड़ा अच्छा वाला रोड आ गया और बारिश भी होना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके बारिश भी हो रहा है। फिर लगता नहीं ज़्यादा होगा। पेट्रोल भरवा लिया, फुल टैंक हो गया पेट्रोल। और अभी जस्ट सरचू क्रॉस किया और सरचू से मनाली के लिए अभी भी 222 किलोमीटर जाना है हम लोगों को। तो अभी जल्दी से निकलते हैं। रास्ता तो बढ़िया है सरचू से, अभी तक तो डबल लेन रास्ता मिल रहा है। होप कि ऐसा ही हो पूरा रास्ता। और ये विंड ब्लास्ट की वजह से ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, जितना एक्सीलेटर देने से भी 80 से ऊपर नहीं भाग रहा है बाइक, क्योंकि विंड ब्लास्ट आगे की तरफ से आ रहा है तो स्पीड मेंटेन नहीं हो रहा है। लेंगे रेनकोट पहन के ही चलेंगे इधर से, और कैमरा को अंदर डालना पड़ेगा। अभी मनाली पहुंच गए और यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक जाम है, जाम हुआ है ये इसके वजह से। शिप, इतना सारा शिप है रोड्स पे कि सारा ट्रैफिक जाम कर दिया इन शिप्स ने। इतना सारा शिप है, पूरा पीछे से लेकर आगे तक है इसका लाइन। पे पहुंच गया, ऑनलाइन बुकिंग किया था, एक आदमी के लिए यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा और हालत कुछ ऐसा है। ये मॉल रोड से 5 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो आज का इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।